हेलो दोस्तों, हम आज नया वीडियो लेकर आए हैं हमारे चैनल आर्ट बाय हार्ट में। सबसे पहले दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज हम आपको नया ड्राइंग सिखाएंगे न्यू ड्राइंग चैनल में। अच्छा दोस्तों, उससे पहले क्या क्या कलर लगेगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले लगेगा डार्क ब्लू दोस्तों, देख सकते हैं, उसके बाद लाइट ब्लू, उसके बाद दोस्तों वाइट, मीडियम येलो, ऑरेंज, रेड, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ऑरेंज, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन। अच्छा दोस्तों, चलिए हम अपना ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने डार्क ब्लू से अपना ड्राइंग स्टार्ट किया है। धीरे धीरे हम ड्राइंग को पूरा करेंगे इसी तरह से। दोस्तों आप देख सकते हैं, पहले मैंने सर्कल को ड्राइंग करना स्टार्ट किया है, कलर करना। उसके बाद दोस्तों inside of me, in this desert I can look at you with love. तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये पूरा पीकॉक का आकार धीरे धीरे ले रहा है। इसी तरह दोस्तों हम पूरे ड्राइंग को पूरा करेंगे। दोस्तों आप लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, ये लास्ट तक बहुत अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, अब मैंने लाइट ब्लू लिया हुआ है, इसके ऊपर से मैं शेडिंग को अच्छे से निखारने के लिए लाइट ब्लू का इस्तेमाल आप भी कीजिएगा दोस्तों। जो जगह थोड़ा सा फूला हुआ है, मतलब निकला हुआ जगह है, वहाँ मैंने लाइट ब्लू का यूज़ किया हुआ है, और जहाँ लाइट मतलब गिर रहा है, मेन फोकस जहाँ हो रहा है लाइट का, वहाँ मैंने कोई कलर नहीं किया हुआ है। लास्ट में मैं वहाँ वाइट कलर से मिक्स करूँगी। अब दोस्तों मैंने डार्क ग्रीन लिया हुआ है। दोस्तों पीकॉक बनाने के लिए बहुत शेडिंग लगता है, इसीलिए ये ड्राइंग बनाने में थोड़ा वक्त लगता है दोस्तों, क्योंकि इसका शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है। मैंने डार्क ग्रीन से हर जगह को निखारने की कोशिश किया हुआ है, जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ मैंने इसका कलर यूज़ किया हुआ है। अब देख सकते हैं दोस्तों, डार्क ग्रीन का मैंने पूरे पीठ पर उसका यूज़ किया हुआ है। जहाँ लाइट गिर रहा है वहाँ मैंने लाइट ग्रीन का यूज़ किया है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ डार्क ब्लू का भी इस्तेमाल किया है। दोस्तों अब मैं इसके विंग्स को करूँगी, रेड कलर है दोस्तों, रेड कलर से मैं पहले इसके आउटलाइन को कर रही हूँ। पहले आप रेड कलर का इस तरह से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ऑरेंज का शेडिंग के लिए रेड कलर का ही यूज़ किया जाता है। अब देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ऑरेंज कलर का इस्तेमाल स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ ऑरेंज से मैं उसके विंग को कलर कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर ऑरेंज से नीचे रेड के तरफ मैं ऑरेंज कलर को यूज़ कर रही हूँ। अब मैं मीडियम येलो से पूरे विंग को कलर करूँगी।
ये मीडियम येलो है दोस्तों, आप मीडियम येलो का ही यूज़ कीजिएगा। अब मैं पेंसिल से दोस्तों इसको निखारने की कोशिश कर रही हूँ उसके फेस को। अब मैंने डार्क ब्राउन यूज़ किया हुआ है इसके पैर को कलर करने के लिए, जिस जगह शेडिंग किया जाएगा उस जगह डार्क ब्राउन का यूज़ किया है, बाकी मैं लाइट ब्राउन का यूज़ करूँगी। ये रेड कलर है दोस्तों जो उसके होंठ को कलर करने के लिए चोंच, आई थिंक मैंने स्केच कलर का यूज़ किया हुआ है दोस्तों। आप स्केच कलर का रेड कलर यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑयल पेस्टल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्केच कलर इसलिए यूज़ किया हुआ है ताकि उसके चोंच अच्छे से नज़र आए, बिगड़े ना कलर। उसके बाद दोस्तों मैंने लाइट ब्राउन का यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए मैं उसके पूँछ में जो गोल गोल होता है उसे कलर कर रही हूँ इससे। ये दोस्तों मैंने पहले ये वाला पेंटिंग बनाया था तो मैंने सोचा कि यही दिखाया जाए। ये दोस्तों मैंने आप लोग को डिटेल्स में दिखाने के लिए थोड़ा सा डिटेल्स के साथ बनाया हुआ है, ज़्यादा स्पीड नहीं दिया हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि कैसे एक पीकॉक को बना सकते हैं हम, वो भी ऑयल पेस्टल के साथ। अब मैं इनके अंदर रेड कलर का यूज़ करूँगी। अब मैं पूरे विंग्स को कलर कर रही हूँ, ये डार्क ग्रीन है दोस्तों। मैं आउटलाइन दे रही हूँ इसके, जो पूंछ का आउटलाइन दे रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं। मैं डार्क ग्रीन से स्टार्ट किया है मैंने पहले। ये डार्क ब्लू है दोस्तों, डार्क ब्लू का यूज़ कर रही हूँ मैं उसके विंग्स के ऊपर। डार्क ब्लू का यूज़ कर रही हूँ शेडिंग वाले जगहों पर। अब दोस्तों मैंने डार्क ग्रीन का यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। डार्क ग्रीन से मैं पूरा कलर करूँगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये ड्राइंग कैसा लगा। ये ड्राइंग में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैंने उस गोले वाले इलाके पर उसके आसपास मैंने कोई कलर यूज़ नहीं किया हुआ है, वो आपको बाद में पता चलेगा क्यों। वहाँ मैं डार्क कलर का, डार्क ब्लू कलर का यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने डार्क ब्लू कलर का यूज़ करना शुरू किया है। अब मैंने लाइट ग्रीन कलर का यूज़ करना स्टार्ट किया है ताकि जहाँ लाइट गिर रहा है वो उस जगह को दिखा सकूं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों मैं डार्क ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले दोस्तों ब्लैक कलर का यूज़ कीजिएगा क्योंकि शेडिंग के लिए ब्लैक कलर ही ज़रूरी है डार्क ब्राउन के लिए। ये मैं पेड़ के शाखाओं को बना रही हूँ दोस्तों।
देख सकते हैं। अब मैंने ब्राउन कलर का यूज़ स्टार्ट किया है, डार्क ब्राउन है दोस्तों, इससे तना रियल लगेगा। ये एक पेपर फाड़ के मैंने फोल्ड किया हुआ है कलर को मिक्स करने के लिए। ये लाइट ब्लू है दोस्तों, मैंने आसमान को बनाने के लिए इस कलर का यूज़ किया हुआ है। ये लाइट ग्रीन है, मैं लाइट ग्रीन से इसके नीचे कलर कर रही हूँ ताकि हरियाली को समझ में आ सके। मैं वाइट कलर से इसको मिक्स कर रही हूँ, आप भी मिक्स कर सकते हैं वाइट कलर से। ये मैं शाखाओं को बना रही हूँ छोटे छोटे ब्राउन कलर से, डार्क ब्राउन से। अब मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ शेडिंग के लिए। ये मैंने ब्लैक स्केच कलर का यूज़ किया है उसके फेस को अच्छे से निखारने के लिए। ये लाइट ग्रीन है दोस्तों। मैंने फोल्ड किए हुए पेपर का इस्तेमाल किया है कलर्स को मिक्स करने के लिए। ये स्केच कलर है दोस्तों, ब्लैक स्केच कलर, पैर को अच्छे से समझाने के लिए। ये मैंने कैमल का ग्लिटरिंग यूज़ किया हुआ है ग्रीन कलर का दोस्तों, ये आप यूज़ कीजिएगा लीव्स को बनाने के लिए। आप चाहे तो दूसरे कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं, ये कैमल का ग्लिटरिंग है। और ये आप कहाँ से ख़रीदेंगे इसका लिंक भी हम दे देंगे। लीजिए दोस्तों हमारा ड्राइंग तैयार।